एंड प्लांट का डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू हमने पढ़ा। फिर आप प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़े थे, जो कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के हैं? थ्री टाइप्स। एंड आप बताएंगे कृतिका ज्वाइन की है, कृतिका कृतिका हैव यू ज्वाइन? यस, तो कृतिका टेल मी टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, कितने प्रकार के हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू? मैम थ्री टाइप्स। यस, नेम देम। एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। नाउ गरिमा टेल मी वेयर द एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज फाउंड। गरिमा ऑफ 9A, गरिमा 9A। मैम ऑन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड ब्रांचेस एंड प्लांट एंड स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ओके, नाउ एंजेलिना टेल मी इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है, वेयर दीज आर फाउंड? मैम बेस ऑफ लीफ। यस, बेस ऑफ यस, हाँ, वेरी गुड। एंड लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रिंस ऑफ 9B, प्रिंस 9B, टेल मी लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? प्रिंस ऑफ 9B, प्रिंस Prince of 9B, और कौन बताएगा? स्नेहा 9B, टेल मी स्नेहा 9B, लैटरल मेरिस्टेम वेयर दीज टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट्स, लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। स्नेहा 9B, मैम इन द ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नाउ वी हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज ऑफ थ्री टाइप्स, जैसरी डे 9C। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर हाउ मेनी टाइप्स? जैसरी डे 9B, ज्वाइन नहीं की है क्या ये? जैसरी डे प्रेजेंट है? नो मैम। ओके, एनीवन एल्स टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? मैम थ्री टाइप्स। यस, थ्री टाइप्स, दैट आर पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यस, उसके बाद हमने पैरेन्काइमा का ये पूरा स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल पढ़ा था। आप एक एक करके पैरेन्काइमा का ये तीनों डायग्राम बनाएंगे। मैं बताई थी कि CS क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है एंड LS क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। जब हम लोग किसी स्पेसिमेन को, किसी ऑब्जेक्ट को लैटरली वर्टिकली काटते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट लाइन में, तब वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है।
ये दोनों जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन आपका एक ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है पैरेन्काइमा का ही, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा है, टीएस कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहा है पैरेन्काइमा का ही। ये ज्यादा ग्रीनिश है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। अच्छा बताओ तो तीनों में से किसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस सबसे ज्यादा होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में से तीनों में से किसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस? यस वेरी गुड, पैरेन्काइमा और उसके बाद कोलेन्काइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एकदम नहीं होते हैं और इसके चारों तरफ लिग्निन की डिपोजिशन होती है जिसके कारण ये काफी हार्ड एंड टफ होता है। कोलेन्काइमा जो है वो इसके कॉर्नर्स में इसकी डिपोजिशन होता है सेलुलोज एंड लिग्निन का, और ये इससे कम है, स्क्लेरेन्काइमा से कम स्ट्रेंथ प्रदान करता है बॉडीज को, लेकिन लीफ वगैरह में ये ज्यादा पाया जाता है टू गिव दैट लीफ स्टिफनेस। नाउ कम टू द दीज ऑल आर ऑल्सो पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सारे का डायग्राम कॉपी में बनाना है और गूगल क्लासरूम में अपने कॉपी का क्लिक भेजिए, उसका उसके साइज को मतलब कम करके रिड्यूस करके स्कैनर से, और तब डालोगे तो आराम से गूगल क्लासरूम में अपलोड होगा। सो डायग्राम्स के फोटो और नोट्स के कॉपी एक दो पेज आप अपलोड किया करिए। यस मैम। नाउ कम टू द परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू, क्या है परमानेंट एंड सिंपल टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये जो डायग्राम है ये भी तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में ही बता रहा है। ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल कैसा दिखेगा और उसका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे पैरेन्काइमा, इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विथ थिन प्राइमरी वॉल्स। इसके जो प्राइमरी वॉल होते हैं, जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो जो सेल वॉल होता है प्लांट का, एनिमल में सेल वॉल पाया जाता है? उसमें तीन बाउंड्री, तीन वॉल्स होते हैं जो कि आपस में मिले हुए होते हैं, वो तीन आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, मुझे स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिखने लगा तो मुझे लगा मैं कट गई। तो फिर कोलेन्काइमा में कैसे सेल्स होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड सेल्स का मतलब होता है थोड़े लंबे सेल फैले हुए। इलोंगेटेड सेल विथ अनइवन प्राइमरी वॉल्स, ये प्राइमरी वॉल्स जो है ये सेल वॉल का एक पार्ट है। लिविंग एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर मतलब सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तभी ये सेल जो होता है वो लिविंग रहता है। ये सपोर्ट प्रदान करता है, इट गिव्स सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट इन लीव्स एंड स्टेम्स। नाउ कम टू द स्क्लेरेन्काइमा, देखो इसमें कितनी बाउंड्री बनी हुई है और इसमें ये डेड सेल होता है, ये लिविंग सेल नहीं होता है। जब ये स्क्लेरेन्काइमा मैच्योर कर जाएगा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक सेकेंडरी वॉल्स होते हैं डेड एट मैच्योरिटी, और ये क्या देता है प्लांट को, क्या देगा? सपोर्ट। यस वेरी गुड, सपोर्ट देगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये एक ही टाइप के सेल के नहीं बने हुए होते हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी पैरेन्काइमेटल सेल थे तो सारा एक ही टाइप ऑफ सेल का बना हुआ था। स्क्लेरेन्काइमा एक ही टाइप ऑफ सेल का बना हुआ था, कोलेन्काइमा एक ही टाइप ऑफ सेल का बना हुआ था, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का डिफरेंस ये है कि ये एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए नहीं होते हैं। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल भी रहेगा, कोलेन्काइमेटस सेल भी रहेगा, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल भी रहेगा, और पूरा सेल्स मिलके एक यूनिट की तरह काम करेंगे, एक ही फंक्शन करेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन,
Angelina, read the definition. मैम क्या चीज था ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दे आर जाइलम एंड फ्लोएम दे आर कॉल्ड अ वैस्कुलर और वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज तो देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो प्रकार के हैं टू टाइप्स के हैं जाइलम एंड फ्लोएम ये जो जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज है वो प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यूज कहे जाते हैं कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है कंडक्शन का मतलब मैम जो कुछ कंटेन करे मैम मतलब स्टीम को जो लिक्विड में बना देता है वो कंडक्टिंग होता है नहीं बेटा वो चीज इसमें नहीं लाएंगे यस जो पास करे ट्रांसपोर्टेशन क्लास सिक्स में पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन मींस कंडक्शन जो जो किसी भी फूड मटेरियल या रॉ मटेरियल को पास करे आवाज आ रही है यस मैम यस मैम सो ये दोनों जो टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम के ये दोनों टिश्यू वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज कहे जाते हैं तो अगर क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज आर देयर देन द आंसर विल बी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज कॉल्ड एज जाइलम एंड यस नाउ दिस कम टू द जाइलम अब ये हम पर्टिकुलर जाइलम को लेकर चलेंगे It consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. ये चार प्रकार के cells इसमें होते हैं four different types of cells. और ये form करते हैं tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. देखो xylem parenchyma से क्या पता चल रहा है ये किस type के cell से बना होगा Dead cell. पेरेन्काइमा सेल्स वेरी गुड पेरेन्काइमा सेल से बना होगा और ये जाइलम फाइबर्स से पता चलता है कि ये जाइलम फाइबर्स डेड होंगे या लिविंग होंगे लिविंग नो फाइबरस टिश्यू कैसे हुए थे लिविंग डेड फाइबर्स किस में आते हैं स्क्लेरिन यस स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है और स्क्लेरेन्काइमा मैच्योर होके क्या हो जाता है डेड हो जाता है तो जाइलम फाइबर जो है वो डेड होगा जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होगा वेसल्स जो है वो कैसे होंगे ये भी डेड होंगे एंड ट्रैकिड्स भी डेड होंगे जाइलम में केवल जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग है इस पॉइंट को नोट कर लेना Now, the tracheids and vessels help to transport water and minerals from roots to all parts of the plant. Root, क्योंकि वहां से सारा part जो है water and minerals का absorption का काम जो है soil से वो कौन करता है Xylem. नहीं plant system का कौन सा part? Yes, root. प्लांट सिस्टम का कौन सा पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल करता है रूट यस स्टेम यस रूट्स रूट तो यस रूट्स देन दीज रूट्स ट्रैकिड्स और वेसल्स हेल्प जो ये जो रूट जो ऑर्गन हो गया प्लांट का उसमें जो टिश्यू होगा जाइलम में उसमें उसका उस जाइलम का ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर सोयल से ट्रांसपोर्ट करेगा वही ट्रांसपोर्ट मीन्स कंडक्शन कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट के सभी पार्ट में ये जाइलम ही वाटर एंड रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है नाउ कम जाइलम पेरेन्काइमा क्या करेगा जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड्स एंड फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट नोट्स एकदम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आप जाइलम बनाइएगा जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स इस सभी में से
बताओ तो कौन सा लिविंग है? जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम पेरेंकाइमा। मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ पा रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे ना बच्चों का नाम नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर पे यहाँ पे होल स्क्रीन में नाम नहीं दिख पाता है। बट ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट ऑन द स्लाइड। ट्रैकिट्स और वेसल्स जो है, ये दोनों जो ट्रैकिट्स एंड वेसल्स जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं एंड मिनरल्स में, एंड पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। फाइबर जो है वो सपोर्ट देता है, मतलब प्लांट स्टेम जो खड़े रहते हैं उसमें ये सपोर्ट देता है। नाउ कम टू द सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, डेट इज फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट होते हैं अब इसको देखेंगे। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स है। ये जैसे जाइलम के बुक में क्या लिखा है बेटा? सीव सेल्स भी लिखा है। सीव सेल्स, सीव सेल्स जो है ये सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब के पार्ट ही है। जब सीव सेल्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो उनको सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स कहेंगे, जिसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स में सीव ट्यूब होता है, सीव सेल होता है, सीव प्लेट होता है, तीन, और सबको मिला के हम लोग सीव ट्यूब्स एलिमेंट कहते हैं। सीव ट्यूब का अगर इसमें डायग्राम दिया होगा तो मैं समझा दूंगी। ये देखो सीव प्लेट इसमें दिख रहा है, सीव प्लेट, सीव प्लेट, और ये ट्यूब नुमा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स। ये जो सीव ट्यूब है वो सीव सेल्स के बने हुए होते हैं। So it consists of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अब तुम बताओ तो इसमें कौन सा पार्ट डेड होगा? Phloem fibers. Phloem fibers. Very good. Phloem fibers. जहाँ भी फाइबर आएगा वो पार्ट डेड है, क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा मैच्योर होकर डेड हो जाता है। तो इस कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें जो सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये तीनों लिविंग है, और केवल इसमें डेड पार्ट जो है वो फ्लोएम फाइबर्स है। ये जाइलम एंड फ्लोएम में जब आप अंतर लिखेंगे तो ये बात लिखेंगे। जाइलम का तीन पार्ट जो होता है, ट्रैकिट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, डेड होते हैं एंड लिविंग केवल जाइलम पैरेन्काइमा रहता है। लेकिन फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं और डेड केवल फ्लोएम फाइबर्स होता है। अब इनका फंक्शंस क्या है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। आप देख लो ये दोनों का चैनल एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। जाइलम क्या है? मिनरल एंड वाटर रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट एंड एवरी लीव्स को पहुंचा रहा है। लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है? मैम लीव्स से लेकर हर प्लांट तक पहुंचा रहा है। यस, एंड जाइलम जो है वो रॉ फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्लोएम क्या कर रहा है? लीफ से पूरे प्लांट तक पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है? क्या मिनरल्स? नो मैम, फूड, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, मिनरल्स? नो, फूड मिनरल्स विल बी रॉन्ग आंसर। मिनरल को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना जाइलम का काम है। फाइलम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना जाइलम का काम है एंड इट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट to the tip of the plant and every leaf. And phloem का क्या काम है? Leaf जो भोजन बना रहा है photosynthesis से, उस prepared leaf को from leaf to the root and every parts of the plant पहुंचाना phloem का काम है। तो दोनों का direction opposite हुआ। इसमें raw material जा रहा है and minerals जा रहे हैं and इसमें देखो transport food from leaves to all parts of the plants. Now, phloem parenchyma stores food and fibers help to in support. जो phloem parenchyma है वो food को store करता है
जैसे यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा आखिर जाइलम अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको भी तो फूड चाहिए ना, लिविंग है तो, फॉर सर्वाइवल फूड चाहिए या नहीं जाइलम को? चाहिए। ओके, देन दिस वो फूड कहाँ से आएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये फूड लेगा और अपने में स्टोर करेगा, यही एक लिविंग है जाइलम में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा में सीव ट्यूब्स भी लिविंग है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फाइबर्स, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और इसमें जो फाइबर्स हैं, ऑफ कोर्स ये एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, तो इसको भी स्टैंड होने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो ये फाइबर जो है वो सपोर्ट करता है स्टैंड करने में। आप इसका डायग्राम देखो जाइलम का, ये वेसल्स का डायग्राम है अलग से। वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स का काम एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। वेसल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ट्यूब होते हैं और जो तुम्हारे ट्रैकेट्स होते हैं वो इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबर तो तुम पहले भी इस क्लैरिड में फाइबर का देखी होगी, फाइबर हमेशा पतले पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड इलोंगेटेड होगा। दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम में ये आपका सी प्लेट हो गया, इधर ये जो सेल दिख रहा है ये वाला सेल, ये पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, जिसमें ये देखो सीव एरिया है, सीव देखो सीव एलिमेंट लिखा हुआ है। सीव एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस ऑल सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स एंड सीव पोर्स। ओके, और इसके बगल में जो ये छोटा सेल दिख रहा है जिसमें ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में को कहते, उस सेल को कहते हैं कंपेनियन सेल। एक बात और मेंशन करेंगे कि सीव ट्यूब में सीव सेल को न्यूक्लियस नहीं होता है अपना, वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से वर्क करता है, इससे गाइड होता है, इसको अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। और फाइबर तो सेम इन स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा जाइलम फाइबर है वैसे ही ये फाइबर रहेगा। बात समझ में आई? यस मैम। यस। तो इसके बाद आपका एनिमल टिश्यू ही आ जा रहा है नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है एंड आपका एनिमल टिश्यू मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। और तब मैं आपको, अब मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, ओपन योर बुक एंड आई विल डिस्कस द बुक क्वेश्चन। Now, so we have finished till permanent complex tissue. Yes, permanent complex tissues. तो आज हमारा फिनिश हुआ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेट मी ब्रिंग द बुक, वन मिनट। Yes, we have finished till page number 73. What you have to do, you have to prepare all the diagrams. आपको सारे diagrams बनाने हैं book के, और इसमें अगर आपको कोई ऐसी line है जो कि छूट गई और नहीं बन पाया है of the और नहीं आप समझ पाए हैं, तो you can ask me now. There is a line in page number 72 after sclerenchymatous tissue.
स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू से पहले एक लाइन है आपके बुक में लास्ट पैरा, व्हाट यू अब्सॉर्ब इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। जब हम लोग लीफ का पढ़ेंगे, लीफ को, लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन करके हम देखेंगे लीफ को, देन वी सॉ दैट देन इन अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग लेयर्स ऑफ सेल को देखेंगे, बहुत सारे उसमें लेयर्स ऑफ सेल होंगे। तो जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो होता है, दैट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, अंडरलाइन दैट लाइन ऑफ द बुक, आप बुक के उस लाइन को अंडरलाइन करिए, दैट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। मिला है पेज नंबर 72? यस मैम। पेज नंबर 71 और 72 में, और डायग्राम 6.5। लेट मी ओपन द बुक, वन मिनट, आई एम ट्राइंग टू ओपन द बुक ऑल्सो। अगर डेस्कटॉप पे आपका बुक होगा तो मैं ओपन कर दूंगी। मॉलिक्यूलर स्टूडेंट, दिस इज विंडो 9, जो ये तो पीपीटी हो गया, वन मिनट। यस टिश्यू, इस डायग्राम को भी समझते हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, दिख रहा है ये? यस मैम, यस मैम, यस मैम। इस डायग्राम को समझते हैं, देखो ये स्टेम का कटिंग है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम है, और इस एक पार्ट को लिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इमेजिन करो कि ये पूरा तुम्हारा केक है, और केक का स्लाइस जब तुम किसी को खिलाते हो तो कैसे एक नाइफ से एक तिरछा स्लैंटिंग ऐसे और एक स्लैंटिंग ऐसे, एक आर्क टाइप का निकालते हो, निकालते हो ना? यस मैम, यस मैम। पूरे केक में से, इस पूरे केक लाइक स्ट्रक्चर में से एक आर्क निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये तुम्हारा पूरा सेक्शन ऑफ स्टेम है, इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू भी है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी है और मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी है, सारे मिक्स टिश्यूज हैं इसमें, क्योंकि स्टेम क्या है, एक ऑर्गन है, प्लांट का एक ऑर्गन है, तो इसमें सारे टिश्यूज पाए जाएंगे। इन टिश्यू को समझते हैं, अपर लेयर ऑफ द स्टेम है, ये क्यूटिकल का है, मीन्स ये एपिडर्मिस के भी ऊपर जो लेयर है ये क्यूटिकल है, और ये एक वैक्स लाइक कवरिंग होती है जो कि स्टेम को प्रोटेक्ट करता है। डेड मतलब ये केमिकल सब्सटेंस की कवरिंग है, क्यूटिकल कोई सेल नहीं है, ये किसी केमिकल सब्सटेंस की कवरिंग है जो कि स्टेम को प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर क्यूटिकल देयर इज प्लांट का बेस मटेरियल। यस हाँ बेटा बोलो। क्या बोल रहे थे? गरिमा बोल रही थी। हेलो। यस मैम, गरिमा बोल रही थी। क्या क्या है बेटा गरिमा? सो
after cuticle there is this layer of cell, continuous layer of cell, and it is made up of parenchymatous tissue, and it is called epidermis. Epi means upper, dermis means layer. It is upper layer of the stem. Now after epidermis there is pollenchyma. Pollenchyma kaisa tissue hai, tell me. सिंपल प्लांट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ आफ्टर पॉलेनकाइमा देयर इज दिस इज पैरेनकाइमा. ये पैरेनकाइमा है, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है. नाउ दिस इज फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स. आफ्टर फ्लोएम ये जो लेयर दिख रहा है ये कैम्बियम का है, और ये कैम्बियम किसका एग्जांपल है, पिछले बार कौन पूछी थी हमसे, श्रेया या कोई, ये कैम्बियम कैसा टिश्यू है, टेल मी. इसके बाद ये जो घड़े नुमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, दिस इज ये घड़ा नहीं, घड़ा टाइप का नहीं है, ये हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर रहता है, एंड दिस इज जाइलम. ये जाइलम है, और ये जो तुम्हारे पूरे टिश्यू है ये ग्राउंड टिश्यू कहे जाते हैं, और ये ग्राउंड टिश्यू जो है सिंपल पैरेनकाइमेटस टिश्यू या कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है. ये स्ट्रक्चर तुम जब स्टेम का क्रॉस सेक्शन करोगे तो ये तुमको मिलेगा, डाइकॉट स्टेम का जब तुम क्रॉस सेक्शन करोगे तो, और ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं आउटर साइड में. ये डिटेल में तुम क्लास 11th में इसको पढ़ना है. So after this, मुझे क्या समझाना था, ये 6.3 समझ में आया. Now ये 6.4 तो तुम लोग को मैं समझा चुकी हूँ डायग्राम. 6.4 समझ में आ गया है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Now I am talking about this 6.5. ये 6.5 के बारे में page number 71. Yes, सही बोल रही थी बच्ची, पेज नंबर 71. देखो जब एपिडर्मिस टिश्यू, जब लीफ के जो एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं उनका हम लीफ का क्रॉस सेक्शन जब देखते हैं, और लीफ के एपिडर्मिस टिश्यू में ये स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं. स्टोमाटा तुम क्लास 6 से तुम लोग पढ़ रहे हो, दैट आर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ और स्टेम. लीफ या स्टेम पे जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. दिस pore is guarded by guard cells that is bean shaped. Bean के shape के होते हैं. ये जो pore है ये guard cell से boundary होता है इनका. जैसे यहाँ देखो ये pore हो गया और ये guard cells हो गए. तो guard cell से ये surrounded रहते हैं, और guard cell का shape कैसा है? Bean shape. And these all are. Yes, and after these all are accessory cell, accessory cells हैं ये सब. तो देखो ये epidermal layer हो गया leaf का, upper layer, epidermal layer, और उसमें ये guard cells present रहते हैं, और ये guard cell exchange of gases, transpiration ये सब में, और photosynthesis में जो gas enter करता है, that all are done by, performed by the these pore-like structure that are called as stomata. तो मैं इसको समझाना चाह रही थी जो कि बुक में था और स्लाइड में छूट गया था. यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, when you absorb is the outermost layer of cells called epidermis. The epidermis is usually made up of single layers of cell. जो epidermis है वो single layer of cell से बना हुआ है. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. और इसी protection के लिए, इसी protection को देने के लिए, ताकि stem बहुत ज़्यादा water loss नहीं करे,
उसके ऊपर एंड देयर इज एन आउटर कवरिंग हो जाता है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on the outer surface. This aids in protection against the loss of water. Mechanical injury. Mechanical injury जो stem अगर कट गया या किसी तरह उसको problem, मतलब उसको जैसे हम ही लोग चल रहे हैं और एक कुदाल मार दिए उस पर, एक हथौड़ी मार दिए, तो वहां पे वो plant वुंडेड हुआ या नहीं हुआ, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए स्टेम जो है वो एपिडर्मल सेल सीक्रेट किए रहता है वैक्सी ऑन वाटर रेसिस्टेंट लेयर और दैट सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर बनाता है. एपिडर्मल टिश्यू के बीच में कोई गैप नहीं रहता और केवल स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. ऑन द आउटर साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल. जो आउटर वॉल होते हैं वो इनर वॉल से थिक होते हैं. यू वी कैन अब्सॉर्ब पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ये जो स्टोमेटल पोर रहेंगे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ स्टेम्स. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा आर इंक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर. ट्रांसपीरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना. ट्रांसपीरेशन में वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट लॉस करता है एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. और ये कैसे होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है. Recall which gas is required for photosynthesis. Tell me which gas is required for photosynthesis. Carbon dioxide. Now epidermal cells. Time हो रहा है हम लोगों का. And now epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो रूट के एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है ताकि प्लांट जो है वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए. इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट्स प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन. यही मैं बताई थी, दैट इज क्यूटीन. और क्यूटिकल भी ऐसे ही वर्क करता है. इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम. So till today यही तक रहने देते हैं, ये पैरा भी पढ़ ही देते हैं. As the plant grow older, the outer protective tissues undergo certain changes. जैसे जैसे plants जो है वो older होते हैं, ज्यादा से ज्यादा tissues जो है वो permanent की ओर बढ़ते हैं, वो permanent होते जाते हैं और meristematic tissue घटता चला जाता है. A strip of secondary meristem located in the cortex form layers of cells which constitute the cork. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी. एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू का लेयर डेवलप हो जाता है परमानेंट टिश्यूज के बीच में, जो कि वो प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से डिफरेंट है वो. और इस लेयर को हम लोग कॉर्क कहते हैं, जिससे ना बार्क बनता है प्लांट्स का. खाला जो छाला देखते हो, ये इसी सब डेड टिश्यूज को मिला के, और इन टिश्यू डेड टिश्यूज जब अपर लेयर से प्लांट्स का रिमूव होने लगते हैं तो ये टिश्यूज नए नए सेल्स से प्लांट को भरते हैं एंड दैट मेरिस्टमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉल्ड द कॉर्क. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin. Underline करना. ये suberin का layering होता है और ये inner living tissue को protect करते हैं. Inner living tissue को plant ये suberin protect करता है and it improves gaseous and water exchange in the plant. So ये आपकी बात थी plants की. प्लांट्स का ये आपका पूरा था, ये पूरा आपका ऑर्गेन ऑर्गेन लेवल पे फंक्शन था, ये आप समझ लिए. इसके बाद हम लोग चलते हैं सो हियर वी फिनिश द टॉपिक दैट इज सिंपल दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट. And we also studied the parts of NCERT pages
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको भी मैं समझाई. रीड द बुक एंड प्रिपेयर द पूरा prepare the notes and read the textbook. और एक एक लाइन को पढ़ना है और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मैसेज करके समझिए. अपने नोट्स को गूगल क्लासरूम में एड भी करना है. सो यहीं तक क्लास को रहने देते हैं. देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एनिमल टिश्यूज. ओके नाउ यू कैन लीव द क्लास. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद.